इसीलिए प्रभु यीशु ने बोला है, दैट्स व्हाई मोसेस इज सेइंग, और इसीलिए प्रभु का दास मूसा ने ये बताया, ही सेज टीच अस टू गिव अस द विजडम दैट वी मे टीच अस ओ लॉर्ड दैट वी मे अप्लाई आवर हार्ट्स अनटू विजडम। और इसीलिए वो प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझे ये ज्ञान दो कि मेरा जीवन में मैं कैसे बिताऊं। व्हाट इज विजडम, ज्ञान क्या है? द बाइबल सेज इन 1 Corinthians chapter 3, chapter 1 लास्ट वर्स, और पवित्र शास्त्र कुरिन्थियों मंडल शास्त्रों को ऐसे बताता है एक अंत में, जीसस क्राइस्ट इज अवर विजडम, ही इज अवर रिडेम्पशन, ही इज अवर होलीनेस एंड ही इज अवर राइटियसनेस। प्रभु यीशु ख्रिस्ट हम लोग का ज्ञान है, हम लोग का उद्धार करता है, हम लोग का धार्मिकता है। व्हाट इज विजडम, ज्ञान क्या है? विजडम इज टू कॉल गॉड इन अवर हार्ट्स एंड इन अवर लाइव्स। ज्ञान ये है कि प्रभु यीशु को हम लोग का जीवन में ग्रहण करे, उसको बुलाए। विजडम इज टू सी द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, वर्ड ऑफ जीसस एंड टू फॉलो अकॉर्डिंग टू दैट। ज्ञान ये है कि पवित्र शास्त्र को हम लोग पढ़े और उसी के अनुसार उसी के पास जाए। मे बी दैट यू ट्रस्टेड सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, शायद आप बहुत सारे लोग को इस जगत में विश्वास कर रहे हैं। मे बी यू हैव बीन बिलीविंग योर ओन फैमिली पीपल दैट दे विल डू समथिंग गुड टू यू। आप ये भी विश्वास करते हैं, हाँ मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं उनको विश्वास करता हूँ। सम पीपल आर बिलीविंग सम बिग शॉट्स, और बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा लोग को भी विश्वास करते हैं। मैन विल टेल एवरीथिंग नाइसली, विल स्पीक नाइसली, मनुष्य केवल अच्छा ही बोलता है, बट देन ही won't do it, पर मनुष्य कभी नहीं करता। How many times you have been disappointed and depressed because of this? आप लोग, आप कितने बार ऐसे निरुत्साह हुआ जब मनुष्य आपका जीवन में बोला नहीं कर किया? But then I tell you, you take the New Testament in your life, take this book. आप, मैं बोलता हूँ आज आपका जीवन में ये नया नियम पवित्र शास्त्र लीजिए, टेक द बाइबल इन योर हैंड, ये बाइबल आपका हाथ में लीजिए, sincerely read that, और उसको एक एक पूरा ठीक से पढ़िए। The Almighty God who created you will speak to you, और जो आपको बनाया वो सृष्टिकर्ता आपको बताएगा कैसे जीवन बिताए। And that will give consolation to your heart and speak to your heart, वो आपका जीवन में ठीक बताएगा। And God will tell you how to walk and how not to walk in this world, और उसी समय वो आपको बताएगा कहाँ चले और कैसे चले और कैसे नहीं चले। Jesus will come inside your heart, my friend, प्रभु यीशु आपका हृदय में आएंगे, हे मेरे बंधु। This is the time that you should receive Jesus, ये ठीक समय है आप प्रभु यीशु को ग्रहण करें। We are not compelling you to receive Jesus, मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि प्रभु यीशु ग्रहण कीजिए। God himself will not compel you, प्रभु यीशु कभी जबरदस्ती नहीं करता। Hallelujah, Hallelujah, but God loves you so much, प्रभु यीशु आपको बहुत प्यार करता है। Now I want to tell you something, I want to read the passage and then speak to you for a little more time and close. हाँ, मैं थोड़ा ये पवित्र शास्त्र पढ़ूंगा उसके बाद बंद कर दूंगा। There is a passage in Luke Gospel 13. और पवित्र शास्त्र का लूका उसका 13 अध्याय में। We are going to read from 10 to 16. हम लोग 10 से 16 तक पढ़ेंगे। Now I will read it in English. और भाई इंग्लिश से पढ़ेंगे। And then in Hindi. और देन उसी के बाद में हिंदी में पढ़ूंगा। Now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. और एक दिन वो आपका समाज गृह में प्रभु यीशु सिखा रहा था। एंड बिहोल्ड देयर वाज अ वुमन हु हैड अ स्पिरिट ऑफ इनफर्मिटी 18 इयर्स एंड वाज बेंट ओवर एंड कुड नो वे रेज हरसेल्फ अप। रविवार का दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिस 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। बट वेन जीसस सॉ हर ही कॉल्ड हर टू हिम एंड सेड टू हर, वुमन यू आर लूज्ड फ्रॉम योर इनफर्मिटी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सिद्धि हो गई और परमेश्वर को बड़ाई करने लगी। एंड ही लेड हिज हैंड्स ऑन हर एंड इमीडिएटली शी वाज मेड स्ट्रेट एंड ग्लोरिफाइड गॉड। तब उसने उस पर हाथ रखी और वो तुरंत सिद्धि हो गई और परमेश्वर को बड़ाई करने लगी। वर्स नंबर 14, बट द रूलर ऑफ द सिनेगोग आंसर्ड हिम विथ इंडिग्नेशन बिकॉज जीसस हैड हील्ड ऑन द सैबथ एंड ही सेड टू द क्राउड, देयर आर 6 डेज ऑन व्हिच मेन ऑट टू वर्क, देयरफॉर कम एंड बी हील्ड ऑन देम एंड नॉट ऑन द सैबथ डे। और 14 पद में ऐसे लिखा गया, इसलिए कि यीशु ने रविवार के दिन उसे अच्छा किया था, आराधनालय का सरदार रिशिया के कर लोग से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिन में आकर चंगे हो, परंतु सप्ताह का अंत दिन में नहीं। एंड वर्स नंबर 15, द लॉर्ड देन आंसर्ड हिम एंड सेड, हिपोक्राइट, डस नॉट ईच वन ऑफ यू ऑन द सैबथ लूज हिज ऑक्स और डोंकी फ्रॉम द स्टॉल एंड लीड इट अवे एंड टू वाटर इट। और 15 पद में ऐसे लिखा गया, और प्रभु यीशु ने बोला, हे सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या
तुम नहीं जानते हैं कि सप्ताह के कोई भी दिन हर एक अपने बैल और गधा का थाने से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? So ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound, think of it? For 18 years, we loosed from his bond on the Sabbath. और 16 पद में ऐसे लिखा गया, तो क्या उचित नहीं था कि ये स्त्री जो अब्राहम का बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सप्ताह का आम दिन से इसी बंधन से छुड़ाई जाती? This is the scripture portion recorded in the book of Luke. और इसी पवित्र शास्त्र का लूक में ये लिखा गया है। There was a woman. एक स्त्री था। For 18 long years she was bent. 18 वर्ष वो क्या कुबड़ी थी? And she was living among her own people. वो कुबड़ी और अपना लोग के साथ जीवन बिता रहा था। Nobody bothers about this woman. कोई भी उसके लिए चिंता नहीं कर रहे थे। And she was bent and no way could straighten herself up. वो अपना शरीर ऐसे कुबड़ी था, वो कभी भी सीधा नहीं चल सकती थी। Probably she could not have done her duties properly. शायद वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता था उसी कारण। The Bible says there was a demon inside. Demon, evil spirits were inside her. पवित्र शास्त्र ये कहता है कि उसी के पास एक शैतान था। And the spirit is called the spirit of infirmity. वो मंद आत्मा था, वो जो मंद आत्मा को कुबड़ी हम लोग बोलते हैं। And probably she could have gone to many doctors to get the cure. शायद वो बहुत सारा चिकित्सा जो करते हैं उनके पास गया वो चिकित्सा होने के लिए। But then you see medical science cannot deal with the spiritual world. और हम लोग का जो चिकित्सालय है और दुनिया में जो हो, कभी भी इसी आत्मिक का स्वस्थ करने के लिए कोई चिकित्सालय नहीं है। यू मस्ट नो दैट देयर इज अ स्पिरिट वर्ल्ड। आपको जानना चाहिए कि एक मंद आत्मा का दुनिया है। एंड दिस वर्ल्ड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज ईविल स्पिरिट्स। ये जगत उसी मंद आत्मा का शक्ति के द्वारा प्रचलित है। एंड दीज ईविल स्पिरिट्स एंटर्ड इनटू दिस लेडी। और वही मंद आत्मा उसी इसी स्त्री के अंदर में था। एंड शी बिकेम बेंट फॉर 18 लॉन्ग ईयर्स। और वो कुबड़ी जैसे थी 18 साल करके। When Jesus saw her, और प्रभु यीशु ने जैसे उसी को देखा, and he called her to him, और उसी को बुलाया, and said to her, और उसी को बोला, woman, हे स्त्री, you are loosed from your infirmity, और तुम आज से तुम उसी शैतान से मुक्त हो। Who can say that? ऐसे कौन बोल सकता है? Who can relieve her? और कौन ऐसे उसको मुक्त दे सकता है? He was not interested in the past story. और प्रभु यीशु उसी का बिता हुआ जीवन में इतिहास नहीं सुनने के लिए स्ट्रेट डेल्ट विद द प्रॉब्लम। वो सीधा सीधा उसी का समस्या में आ गए। जीसस कैन डू दैट इन योर लाइफ आल्सो। और इसी प्रकार प्रभु यीशु आपका जीवन में कर सकते हैं। जीसस वांट्स टू डील विद योर प्रॉब्लम स्ट्रेट अवे। और प्रभु यीशु चाहता है कि आपका समस्या में वो आपको कुछ करने के लिए। यू नीड नॉट टेल एनीथिंग टू हिम। आपको कुछ बोलने का जरूरी नहीं। ही नोस योर पास्ट। वो आपको अतीत जानता है। ही नोस योर प्रेजेंट। वो आपका अभी क्या हो रहा है जानता है। ही नोस योर फ्यूचर आल्सो। वो भी आपका भविष्य में क्या घटेगा वो जानता है। ही विल नॉट आस्क योर पास्ट। वो आपको कुछ नहीं पूछेगा आपका अतीत क्या था। ही नोस एवरीथिंग वेरी वेल। वो सब कुछ जानता है। ही नोस योर नेम। वो आपका नाम भी जानता है। ही नोस योर ओरिजिन। वो आपको कहाँ से सृष्टि हुआ जानते हैं। ही नोस योर फैमिली। वो आपका परिवार को जानता है। ही नोस योर प्रॉब्लम। वो आपका समस्या को जानता है। जीसस इज कमिंग not to hear your problem. प्रभु यीशु इसीलिए नहीं आया कि आपका समस्या सुनने। Jesus will not tax you to tell your problem to him. और इसीलिए यीशु नहीं आया कि वो अपनी समस्या को बताएगा। Jesus wants to heal you, friend. प्रभु यीशु चाहता है कि आप चंगाई कर। Jesus wants to deal with your problem. और यीशु जो चाहता है कि आप समस्या को समाधान करने। How will he deal? आप कैसे वो समाधान करेगा? He is not going to deal on the basis of what you tell him. और आप जैसे बोलेंगे वो इसी प्रकार नहीं करेगा। But then he will remove every sickness and he will remove every evil influence from your heart as you give room to him. और परंतु वो सब कुछ निकलेगा जो मांद और जो आत्मा आपके पास है, वो बीमारी सब कुछ निकलेगा जब उसी को आप हृदय देंगे। The Bible says, पवित्र शास्त्र ये बोलता है, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. और पवित्र शास्त्र ये बोलता है प्रभु यीशु पिछला काल आज और आने वाला दिन में वो समान है। What he had done for this lady who was having 18 years of affliction is still the same Jesus and he will do it today also to और you. जो प्रभु यीशु 18 साल का वो बीमारी स्त्री को जैसे प्रकार चंगाई किया
अतीत में आज भी वो प्रभु यीशु ऐसा ही है, वो आपका समाधान करेगा। The Holy Bible says, पवित्र बाइबल ये बोलता है, Nothing is impossible with God. कोई भी विषय असंभव नहीं यीशु के सामने। Everything is possible with God. हर एक विषय संभव है यीशु के सामने। Jesus asked a question. प्रभु यीशु एक प्रश्न पूछा। Is there anything that it is impossible for me? और कोई भी ऐसा विषय है कि जो मेरे पास असंभव है? The God who created the heavens and the earth. जो ईश्वर ये स्वर्ग पृथ्वी को बनाया। The seen, the things that we see and things that we cannot see. जो चीज हम लोग देखते हैं, जो चीज हम लोग नहीं देख सकते हैं। He is self-existing. वो पूरा जीवित है। And he is self-existing. वो खुद जीवित है। And he is all-powerful. वो पूरा संपूर्ण शक्ति है। Only believe him. और उसी के ऊपर विश्वास कीजिए। Only believe Jesus. और उसी के ऊपर विश्वास कीजिए। Only believe Jesus. आप केवल यीशु को विश्वास कीजिए। He can do everything in your life. और आप अपना जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। Not only that. केवल वो नहीं है। The Bible says. पवित्र शास्त्र ये बोलता है। Everything is possible unto them that believeth God. और जो उसी के ऊपर विश्वास करते हैं, उसी के पास हर एक विषय संभव है। Wholeheartedly you believe Jesus. पूरा हृदय देकर उसको विश्वास कीजिए। Whatever may be your problem. और जो भी कोई समस्या हो। Whatever may be your disease. और जो भी कोई आपका बीमारी हो। Whatever may be your confusion. और जो भी कोई आपका निष्पत्ति का। Nothing is impossible with कुछ Jesus. भी आपका असंभव नहीं। Oh, he will deliver you, friend. और आपको मुक्ति करेगा। He only called this woman. और वो ही उस स्त्री को बुलाया। This woman could not go. वो स्त्री नहीं जा सकता उसके पास। Already she was suffering. क्योंकि वो कुब्जा था। Maybe given up by man. लोग उसको परित्याग कर दिए। Given up by relative. और अपना बंधु बांधव उसको परित्याग कर दिए थे। Maybe you are also in the same situation today. आप इसी को उसी जैसा है। People probably would have hated you. और शायद लोग आपको घृणा दृष्टि में देख रहे हैं। People would have gone away from you. और शायद लोग आपको दूर कर रहे हैं। You had money one day. आपके पास एक दिन पैसा था। And when everybody came to you. और उसी समय बहुत सारे लोग आपके पास थे। When you had money. और जब आपके पास पैसा था। Now you are moneyless. आपके पास अब पैसा का नहीं है। Where are the people who were with you? जो वो लोग कहाँ गए जो उस समय आते थे? Everybody ran away from you. और आपके पास सब चला गए। This is humanity. और ये आदमी का प्रकृति है। Man is man. मनुष्य मनुष्य है। God is God. ईश्वर ईश्वर है। And you thought. आपका चिंताधारा ये है। Somebody will be always with you till the very end. आप ये चिंता करते कि हर एक समय आपके पास कोई रहेगा। Whom you thought that the person will be with you, that person had gone just in the first place. और जो आप सोचते थे वो आदमी आपके जीवन अंत तक रहेगा, वही आदमी पहले आपसे छूट कर चला गया। But let me tell you in the name of Jesus tonight. प्रभु यीशु के नाम से मैं आपको बताता हूँ भाई साहब। This Jesus. इसी प्रभु यीशु ने। Who died for you on the cross. और जो क्रूस में वो अपने के लिए आपके लिए मरा है। Will never leave you nor forsake you. और कभी भी आपको छोड़ेगा और परित्याग करेगा। He will be till the very end of your life. और आपका अंत के सहित आपके साथ रहेगा। And at the close of your life. आपका जीवन जब अंत होगा दुनिया में, He will take you to his home called heaven. उसके बाद वो आपको अपने साथ ले जाएगा। Heaven is not like this world, friend. स्वर्ग जब ले जाएगा वो स्वर्ग जगत जैसा नहीं है। Heaven is not like the hell. स्वर्ग नर्क जैसा नहीं है। In hell there is fire. और नर्क में अग्नि है। And there are demons. और वो नर्क में शैतान है। And the gnashing of teeth and the weeping will be there. और उस समय कष्ट और यंत्रणा है। Hopeless place it is. और आशा विहीन जगह है। Forever shut up and locked up in hellfire. और पूरा सात दिन के लिए बंद किया गया। No way to escape. और वहाँ से कोई बच के जाना संभव नहीं है। It will be पक्का pitch dark there. और पूरा अंधकार है। It is a dungeon there. और उसका यंत्रणा में पूरा है। A man's soul if it is put inside. और जब मनुष्य का आत्मा उसके अंदर जाएगा। For eternity He will suffer. और पूरा अनंत नरक को भोगेगा। And it heaven is not like the place that we live. और स्वर्ग जो हम लोग जाएंगे वो ऐसे नरक जैसा नहीं है। We have agony in this place. और हम लोग इसी में कष्ट है। We have fear in this world. और डर है। We have all kinds of disappointments in this और world. और हम लोग हतोत्साह का बहुत सारा जीवन